दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए आरबीआई भर्ती अप्रैल 2022 की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। आरबीआई के अंतर्गत ऑफिसर ग्रेड बी की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। सैली 62,400 है प्रति माह के लिए। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 18 अप्रैल 2022 है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहां पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आरबीआई भर्ती 2022 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अंतर्गत ये भर्ती निकली है, पोस्ट है इसमें ऑफिसर ग्रेड बी की। टोटल यहाँ पर 294 वैकेंसीज निकली है। बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की स्टार्टिंग डेट 28 मार्च 2022 है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 18 अप्रैल 2022 है। अप्रैल 2022 की ये बड़ी भर्ती की अपडेट है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 18 अप्रैल 2022 है। ऑनलाइन एग्जाम पेपर फर्स्ट ऑफिसर ग्रेड बी जनरल के लिए 28 मई 2022 यहां पर डेट है और ऑनलाइन एग्जाम पेपर सेकंड थर्ड ऑफिसर ग्रेड बी जनरल के लिए 25 जून 2022 डेट है। डेट यहां पर जो ऑनलाइन एग्जाम पेपर फर्स्ट है ऑफिसर ग्रेड बी DEPR और DSIM के लिए 2 जुलाई 2022 है और ऑनलाइन एग्जाम पेपर सेकंड थर्ड ऑफिसर ग्रेड बी DEPR और DSIM के लिए 6 अगस्त 2022 डेट है। सैलरी यहां पर 35,150 से 62,400 है प्रति माह के लिए। बात अगर इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 21 से 30 वर्ष है। बात अगर इसकी एप्लीकेशन फीस की जाए तो जनरल ओबीसी के लिए 850 रुपये है, SST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपये है जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री ऑनलाइन एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे। इस भर्ती के लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के लिए आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हो। RBI.org.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती के बारे में बाकी की जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहां पर दिया गया है और साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी लिंक है। 28 मार्च को ऑनलाइन करने का लिंक एक्टिवेट होगा, आप तभी से यहां से सिंपली ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों साथ ही साथ आरबीआई में यहां पर असिस्टेंट मैनेजर की भी भर्ती निकली हुई है। आरबीआई में असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी वैकेंसीज आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो। इसके लिए भी डेट की अगर बात की जाए तो आवेदन 28 मार्च से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट 18 अप्रैल 2022 है। फीस पेमेंट भी आप 18 अप्रैल तक कर सकते हो। एग्जाम की डेट 21 मई 2022 है। सैलरी 63,172 है इसके लिए प्रति माह के लिए। मास्टर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की अगर इसमें बात की जाए तो आयु सीमा असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के लिए 21 से 30 वर्ष है, असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के लिए 25 से 40 वर्ष है। फी जनरल ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 600 है, SST के लिए 100 है जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे। इस भर्ती के लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो RBI.org.in पोर्टल से। इसकी भी नोटिफिकेशन आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप नोटिफिकेशन के लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन की एक यहां पर ये पीडीएफ शॉर्ट पीडीएफ है ये ओपन हो जाएगी। यहां पर आप जूम करके इसमें कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हो। यहां पर वैकेंसीज की पूरी डिटेल दी गई है। यहां पर अलग अलग पोस्ट के लिए और कैटेगरी के लिए वैकेंसीज की पूरी लिस्ट है और साथ साथ टाइम टेबल है पूरा यहां पर ऑनलाइन आवेदन करने का और एग्जाम से रिलेटेड, वो भी आप डिटेल चेक कर सकते हो। तो
तो दोस्तों अप्लाई करने से पहले आप इसकी डिटेल नोटिफिकेशन भी जरूर रीड कर लीजिएगा। इसकी डिटेल नोटिफिकेशन जल्दी इसके ऑफिशियल पोर्टल पर डिक्लेयर की जाएगी। वैकेंसीज का इसका ये पेज है, यहाँ पर आपको 28 मार्च को इस भर्ती की नोटिफिकेशन का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा और ऑनलाइन करने का लिंक भी यहीं पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप सिंपली RBI की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।